वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हिना ठक्कर। और आज हम बात करेंगे BRL 113 जो हमारा कोड है, जिसका सब्जेक्ट जो है बिजनेस एथिक्स का है, राइट। जिसका पेपर आप लोगों का कल है और ये BBA वाले स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस एथिक्स। सो ये जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे बनाया जा रहा है। मेरा शेड्यूल बिजी था, मैं ये वीडियो भी नहीं बनाने वाली थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डाउट है कि मैम थोड़ा बहुत ही हिंट दे दो, बस सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही बता दो, अगर वन शॉट आप नहीं बना पा रहे तो। सो शेड्यूल मेरा बहुत बिजी है, एग्जाम टाइमिंग चल रहा है और मैं नहीं बना पा रही वीडियोस, उसके लिए मैं आपको दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, बट मैं मदद करना चाहती हूँ, हेल्प करना चाहती हूँ आप लोगों की, बट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, बस ये है कि ये जो वीडियो है वो इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगी और आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता देती हूँ कि कल के पेपर के लिए आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बता देती हूँ आप लोगों को, और जो है ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स में लिख कर आ पाओ, ठीक है। सो मैं सिर्फ इस जो वीडियो के अंदर आप लोगों से कुछ डिस्कशन करने वाली हूँ रिलेटेड टू आपके जितने भी यूनिट्स हैं, अगर आपको पूरी यूनिट नहीं पढ़ने का टाइम होता, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट जो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जॉब वगैरह करते हो, अदर कोर्सेज वगैरह करते हो, तो आप लोगों के पास टाइम नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ शॉर्टकट बता देती हूँ आप लोगों को। पहले यूनिट का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कैसे कैसे आपको लिखना है, और थोड़ा सा इंट्रो आपको देना चाहूँगी। सो बिजनेस एथिक्स के अंदर सबसे पहले तो अगर आप लोग सर्च करेंगे, लाइक अगर गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे, तो इसका क्वेश्चन पेपर भी आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, राइट। सो क्वेश्चन पेपर ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलेगा। BCom जो होता है, BA है, इनके जो सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो वेबसाइट पे जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं, बट अभी टाइम नहीं था, वरना मैं कहीं ना कहीं अलग से आपको फ्लो चार्ट की मदद से इसका वन शॉट करवाती, बट स्टिल टाइम कम है अभी हमारे पास, और हमारी टोटल 12 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनिट नंबर 1 में आपका बिजनेस एथिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट आता है, ठीक है, कि बिजनेस एथिक्स क्या होती है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ आप लोगों को। बिजनेस एथिक्स का इंट्रोडक्शन जो है हम लोगों ने क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा था, राइट। एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी, एक पूरा चैप्टर आया था बिजनेस एथिक्स का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो ये था अच्छा। सो उसके बाद आता है यूनिट नंबर 2, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन रिटेल बिजनेस। फिर कंज्यूमर प्राइवेसी की, कंज्यूमर की प्राइवेसी के बारे में, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बताना है, एथिकल प्रैक्टिस, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 प्राइजिंग। मतलब ये समझ लो कि जिन बच्चों को प्रमोशन, प्राइजिंग, प्रोडक्ट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बस जो है स्टडी कर लेनी है। एंड एथिकल प्रैक्टिस फॉर एम्प्लॉयज़ है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो वो सोशल वाला टॉपिक आ जाता है ना, कस्टमर की सर्विसेज आ जाती है, मैनेजिंग हेल्थ सेफ्टी, ये सारी चीज़ें हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक वैसे हम लोगों ने अलग अलग बुक्स के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट पढ़ा है। HRM में थोड़ा सा पार्ट पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा था कुछ, 12th में पढ़ा था, ठीक है, इस तरीके से। सो ये अब नहीं जो है, इसके नोट्स भी अवेलेबल नहीं हो पाए क्योंकि सब्जेक्ट इतने सारे होते हैं, सो नहीं बन पाए, सॉरी फॉर दैट। बट मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आप लोग कल के पेपर में पास हो जाओ, उतना तो आपको बता ही रही हूँ। सो बेसिकली देखो, इसके अंदर आपका बिजनेस एथिक्स की आपकी डिफाइन वगैरह आती है, और लेबरिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, प्राइजिंग वही सारे मैंने आपको बताया, प्रमोशन हो गया, 4 P's आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो है आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से इसकी बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, है ना। सो इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट है जो आप बना करके आराम से लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इस तरीके से है। उसके बाद आता है आपका यही छोटी छोटी डेफिनेशंस है। देखो इतना टाइम नहीं है अगर पढ़ने का, तो मैं आपको बोलूँगी आप ना इसकी समरी देख लो, क्या देख लो, समरी प्लस क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। समरी कहाँ मिलेगी आपका, यूनिट यहाँ पे जहाँ नीचे समाप्त हो जाएगा वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, ठीक है, एक एक लाइन के, ठीक है, तो आपको बस वो पढ़ लेने हैं, वो ईजिली समझ भी आ जाएंगे आपको। मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पर आ गए हम लोग अभी। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आप लोग सिर्फ देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की आज सच नीड है नहीं। देखो जैसे ये आ गया, स्टेक होल्डर्स आप लोगों को पता ही है कौन होते हैं, पर्सनस और ग्रुप हुज इंटरेस्टेड एज एसोसिएटेड विथ एन एंटरप्राइज। जो भी हमारे पर्सनस हैं या जो ग्रुप्स हैं जो कि इंटरेस्टेड है हमारी, इंटरेस्टेड आर एसोसिएटेड विथ एंटरप्राइज, तो वो हमारे स्टेक होल्डर कहलाते हैं, राइट। इन्वायरमेंट आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, क्या होता है वातावरण, ठीक है, बिजनेस का जो वातावरण के बारे में बात हो रही है। डिसिप्लिन आप लोगों को पता है, फ्रेमवर्क हो गया, लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी, फेयर ट्रीटमेंट, इंटीग्रिटी, ये छोटे छोटे ना टर्म्स हैं जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं पहले से, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो दिया गया है, तो आप ना इसमें से प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स को अच्छे से कर लो, ठीक है।
बिजनेस एथिक की डेफिनेशन पढ़ लो, उसके प्रिंसिपल्स देख लो, ठीक है? ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से आप लोगों को थोड़ा सा बता रही हूँ मैं। और उसके बाद जो है आप जो है इसके चैलेंजेस वगैरह देख सकते हो, ठीक है? बाकी अगर आप ये कीवर्ड्स कर लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली सब हो जाएगा इसमें से। और एक बार आपको जो है जो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ वो आप देख सकते हो। कोड ऑफ कंडक्ट भी आपको पता ही है, ठीक है? स्टेक होल्डर अभी ऊपर पढ़ ही लिया था तो नीचे पढ़ने की तो एज सच नीड है नहीं, ठीक है? कोड ऑफ कंडक्ट आप लोगों को पता है, तो कुछ टॉपिक तो ऐसे लगेंगे जो कि आपको पता है, अगर उसका मीनिंग भी पता है ना तो भी आप बना करके वहाँ लिख सकते हो, ठीक है? तो उनको आप स्किप कर देना जो आपको बिल्कुल आते हैं, ठीक है? तो इस पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक तो बिजनेस एथिक्स वाले टॉपिक को अच्छे से कर लो, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। उससे रिलेटेड एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बस रीड कर लो, दो दो तीन तीन भी पढ़ लोगे तो भी बहुत है। और एक आपका जो है थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये एक बार पढ़ लो। साथ में आपको जो है चैलेंजेस, ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टेक होल्डर ये सब तो रीड आउट करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, फिर आता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन रिटेल बिजनेस, ठीक है? अच्छा, रिटेल बिजनेस के बारे में वैसे आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है? फेयर ट्रेड भी पता है आप लोगों को, किस तरीके से हम लोग आजकल ट्रेड वगैरह करते हैं, फेयर ट्रेड कैसे होता है ना, इस तरीके से है। और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिसमें से मैं बताना चाहूंगी कि आपको कौन से वाले करने हैं। कीवर्ड्स आ गए आपके, ठीक है? इकोसिस्टम, देखो ये छोटी छोटी टर्म जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है? इकोसिस्टम पढ़ रखा है हम लोगों ने, और आपकी अनवेवरिंग वो हो गया, या फिर आपका कॉन्वोलेटेड हो गया, जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, अगर ये भी इनका भी मीनिंग पता होगा ना तो आप डेफिनेटली बना पाएंगे। फेयर ट्रेड लेबल्स के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है इस पूरे ही 6 क्वेश्चन के अंदर बस आप फेयर ट्रेड वाले टॉपिक को बस थोड़ा सा 2 से 3 लाइन समझ लो, बना के लिख पाओगे, ठीक है? देन आफ्टर मैं कम से कम ही बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, टाइम भी बहुत कम है। और आगे चलते हैं, अब स्क्रॉल करके, 1 मिनट, ये आ गए आपके पॉइंट्स कुछ। सो आपका साइबर सिक्योरिटी, देखो ये भी आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। साइबर सिक्योरिटी मतलब कंप्यूटर वाले में आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, तो पढ़ने की नीड ही नहीं है, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी ऊपर पढ़ाई थी आपने, GDPR भी पहले से पढ़ रखा है आप लोगों ने कंप्यूटर वाले में, तो वो सारे तो यहीं से टॉपिक हो जाएंगे। जिन्होंने कंप्यूटर का ओवरव्यू करा था, भी एग्जाम्स दिए थे, तो हो जाएगा। देखो ये टॉपिक आ गया आपका कि भाई प्रोडक्ट लेबरिंग क्या होती है, ये क्या हमने नहीं पढ़ रखा? 12th से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, बेसिकली हमें ये देखना होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट से सेफ्टी भी होनी जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस तरीके का बनाते हैं ना कि कंज्यूमर को बिल्कुल भी दिक्कतें ना आए, ठीक है? कंज्यूमर के लिए कुछ गाइडलाइंस तैयार करते हैं, और जितने कंज्यूमर एजुकेटेड होते हैं, उनको अवेयरनेस होती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, एक्सपायरी चेक करते हैं, हर एक चीज चेक करते हैं, राइट? सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज मीन बाय इनोवेशन इन प्रोडक्ट डिजाइन? इनोवेशन वर्ड तो आपको मीनिंग पता होगा ना, पता ही है क्या होता है इनोवेशन, ठीक है? तो आप बना के लिख सकते हो। सस्टेनेबल मटेरियल हो गया, ट्रू फॉल्स आप स्किप कर दीजिए, ज्यादा एडसर्च करने की नीड है नहीं। बड़े बड़े क्वेश्चन जो आएंगे वो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो ज्यादा क्वेश्चन मैं दे ही नहीं रही हूँ आप लोगों को, कम से कम ही बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये कीवर्ड्स आ गए आपके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, ह्यूमन राइट्स आपको पता है, सस्टेनेबिलिटी पता है, ट्रांसपेरेंसी पता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको पता है, जो समाज की, हमारे जो समाज की जिम्मेदारियां होती हैं वो सब होता है। क्वालिटी सेफ्टी क्या हमें नहीं पता, सब पता है। ये छोटे छोटे वर्ड भी अगर आप रीड आउट कर लोगे ना, विद एग्जाम्पल सेट करके जाना पहले से, ताकि वहाँ शीट भरने में आपको आसानी हो जाएगी। तो पूरी जो बुक है वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट के डिजाइन, लेबरिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट की बात करती है, क्वालिटी की बात करती है, कि क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी सेफ्टी होना भी जरूरी है। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की सेफ्टी नहीं है तो क्या वो हम दोबारा लेंगे? डेफिनेटली नहीं लेंगे। और आजकल तो कस्टमर इतने ज्यादा स्मार्ट है कि अगर उनका वो कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं और उनकी जरा सा भी उनको लगता है, लाइक वो फूड का है या कोई भी प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, उनको अच्छी नहीं लगती तो तुरंत रिव्यू डाल देते हैं, ठीक है? तो अपनी बात को वो पहुंचा देते हैं, तो यानी कि वो अवेयर है, यानी कि वो एजुकेटेड है, उनको चीजों के बारे में नॉलेज है, ठीक है? ये सब चीजें आती हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी बताती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले के। जैसे कीवर्ड्स आ गए, मार्केट शेयर आप लोगों को पता ही है, ठीक है? हिडन डिस्पेंशन पता है, और
ये सब आपको पता है, छोटे छोटे टर्म्स हैं वही वाली, और क्वेश्चन इसमें से आप जो है पढ़ सकते हो। एक तो आप जो है इसमें से क्वेश्चन नंबर जो है वो है आप पढ़ सकते हो। पार्टनरशिप तो आपको पता ही है, ये छोटी छोटी टर्म्स आप लोगों को मालूम ही है, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका जो आता है थर्ड आप रीड आउट कर लीजिए, फोर्थ भी रीड आउट वाला ही है, आता ही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ आप रीड आउट कर सकते हो, सिक्स सेवन्थ को थोड़ा ज़्यादा फोकस दे सकते हो, और सेकेंड फर्स्ट को, ठीक है, इन इन क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर लेना। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पढ़ रखा है हम लोगों ने, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसके टाइप वगैरह होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ये सारे रीड आउट वाले हैं कि हमारे कॉम्पिटिशन हो गया, चैनल बेस्ड प्राइसिंग कैसे होती है, होलसेल प्राइसिंग कैसे होती है, डायनेमिक प्राइसिंग, ये कहीं ना कहीं हमने जो है मार्केटिंग वाले में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, ट्रू फॉल्स फिर से आगे छोड़ दीजिएगा इसको। प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वो आप अच्छे से कर ले, डायनेमिक प्राइसिंग कर लीजिए, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब प्राइसिंग वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, और प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पे नीचे चलते हैं, छोटी छोटी टर्म में ब्रेक मोटर, मैं कह रही हूँ कि छोटी छोटी टर्म हमने अलग अलग उसमें पढ़ रखी हैं तो हमें कहीं ना कहीं मालूम भी है। सो प्राइसिंग का ऊपर हो गया था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बता दिया था, बेंचमार्किंग आप रीड आउट कर सकते हैं, प्राइस से रिलेटेड ही है, तो आप इसमें प्राइसिंग से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रैटेजीज आप बना के लिख सकते हो, मतलब ऊपर वाला ही भी आप जो है इसके अंदर चिपका सकते हो, ठीक है, पूरा वैसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास। सो अभी नीचे चल रहे हैं, देन आ गया आपका ये जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, सेकेंड आप रीड आउट कर सकते हो, थर्ड भी रीड आउट वाला है, फोर्थ भी पढ़ सकते हो, फिफ्थ अच्छे से कर लेना। उसके बाद आपको जो है एट नाइन टेन भी आप रीड आउट कर लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कीवर्ड्स तो आप सारे पढ़ ही लेना, ठीक है, और क्वेश्चन पे भी एक नज़र तो सब पे डाल ही देना। ब्रांड इमेज आपको पता ही है, गुडविल है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं उसमें गेन देखने को मिलता है, आईपीआर पता है, तो सारी टर्म्स तो पता ही हैं आप लोगों को। क्वेश्चंस जो हैं इसमें से, ये तो इजी है, इसमें तो कुछ इन्वेंटरी रिलेटेड टू अकाउंट्स के कुछ टर्म्स है तो आप कर ही लोगे सारे के सारे। फिर और थोड़ा नीचे, मतलब मेरा मोस्ट प्रोबेबली ये कहने का मतलब है कि आपको मेन मेन समरी पढ़नी है, और जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं उन पे ज़्यादा फोकस डाले, जो रीड आउट वाले हैं उनको रीड आउट आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, तो इस वाले टॉपिक में से आप सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले को ही कवर कर ले, मतलब अगर उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लोगे ना तो भी बहुत है। ये हमने क्या नहीं पढ़ रखा, वेस्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कौन से होते हैं, कि हमारे को जो है वेस्ट जितना भी होता है उसमें 5 R's होते हैं, जो हमारा वेस्ट होता है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक चीज़ को दोबारा यूज़ कर लो, खराब है तो उसको रिसाइकिल कर लो, रीयूज कर लो, रिफ्यूज़ कर लो, रिड्यूस कर दो, ठीक है, कम से कम वेस्टेज फैलाओ। ये सारे टॉपिक जो है इन्वायरमेंटल वाले तो बहुत ईजी है, बना के लिखने वाले हैं सारे, ठीक है। रिसाइकलिंग है आपकी, सस्टेनेबिलिटी है, ये छोटी छोटी टर्म आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ ही रखी हैं, ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ रखी हैं, तो पेपर कोई मुश्किल नहीं आएगा, ऐसा बहुत ईजी आएगा, बस थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। वैल्यू बेस तो आप आराम से कर पाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आपको मेन टर्म को पकड़ना होगा कि वो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, पहले आपको क्वेश्चन से रिलेटेड उसको समझाना है, उसके बाद अपने एग्जांपल्स वगैरह उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको सारा का सारा बताने की कोशिश करी है कि समरी करनी है सारे चैप्टर की मेन मेन, और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन जो बताए गए हैं वो आप कर सकते हैं। फ्लो चार्ट्स का आप यूज़ करना चाहें तो आप बेशक से कर सकते हैं, जैसे 5 R's का बताया तो उसका फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है, कोई और टॉपिक आ गया तो उसका बना के लिख दिया। इन्वेंट्री क्या नहीं पता आप लोगों को, कॉमर्स के स्टूडेंट, साइबर सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें बार बार टर्म यूज़ हो रही है, वही सारी टर्म्स हैं। सो मैंने पूरा का पूरा बताने की कोशिश किया, टाइम बहुत कम था लेकिन स्टिल कैसे भी करके मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहा। प्लीज़ जल्दी से जल्दी कीवर्ड्स पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है एक बार गो थ्रू कर लेना,
और क्वेश्चंस एक बार जो है नज़र डाल देना, और अगर क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है तो सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ लो, बस हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और ऑल दी बेस्ट, अच्छे से करके आना। थैंक यू सो मच।